फर्स्ट हेड इज कॉल्ड इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. ओके, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. इंटरनल मतलब समझ रहे हो आप लोग, विच आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, विद इन द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरनल. एंड एक्सटर्नल मीन्स विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स स्टिफनेस. ओके, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप अगर कुछ भी चीज प्लान कर रहे हो तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप पहले ही डिसाइड कर ले रहे हो कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. तो इफ एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस तो क्या हो जाता है, वो मैनेजर इज रिजिड टू फॉलो द थिंग्स. मैनेजर कोई भी चेंज अपने तरफ से नहीं कर सकता है, उसको क्या करना पड़ता है, उसी प्लान को फॉलो करना पड़ता है. तो वो एक क्या है, रिजिडिटी है. ओके, तो इसीलिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. रिजिडिटी इसीलिए लीड करता है क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड द मैनेजर हैज टू फॉलो द थिंग्स विच आर प्लान्ड. ओके, मैनेजर इज नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस एज ही डिजायर्ड. ओके, तो वी कैन से दैट प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. डायनेमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग, सबसे पहले तो बिजनेस क्या है, एक एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करता है. मतलब जो एनवायरमेंट आप देख रहे हो आपकी कंट्री का, सोसाइटी का, ओके, वो सारे के अंदर प्लानिंग क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. और डे बाय डे उसके जो एनवायरमेंट है वो डायनेमिक है, मतलब चेंज होती रहती है. ओके, चेंज होती रहती है. तो आज जैसे अभी आप अभी का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, अभी हम लोग का कौन सा सिचुएशन है, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है. और बीच में तो आप देखोगे कि सारा कुछ बंद हो गया था, सारा प्रोडक्शन रुक गया था, एवरीथिंग. नाउ द थिंग्स आर स्टार्टिंग बट लिटिल बिट स्टार्टिंग. तो अभी जिन्होंने भी प्लान किया होगा, ठीक है, जितने भी बिजनेसमैन ने अभी प्लान किया होगा, ओके, तो वो क्या वो उनका प्लानिंग सक्सेसफुल रहा? नो. इसीलिए कहा जाता है कि प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है. एनवायरमेंट हमेशा चेंज होती रहती है. एनवायरमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल. ठीक है, ये सारे एनवायरमेंट जो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. कभी कोई नया पॉलिसी आ जाती है, ठीक है, कभी पॉलिटिक्स में देखो तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है. तो इन सब चीजें जो चेंज हो रही हैं बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि वो डायनेमिक है, वो तो चेंज होगी ही. तो कभी कभार क्या हो जाता है, इस चेंज में आपने जो भी प्लान किया है वो काम नहीं करता है, वो वर्क नहीं करता है. ओके, तो वी कैन से दैट प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट. राइट, क्लियर. थर्ड पॉइंट इज इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स वॉट, यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव. ओके, इमेजिनरी थिंग्स. बट यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएटिव इमेजिनरी थिंग्स नहीं कर सकते. हाउ? क्योंकि आपको जो भी करना है, जो भी स्टेप आपको उठाना है, दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्लानिंग. ठीक है, एवरीथिंग इज प्लान्ड. व्हाट यू हैव टू डू, विच प्रोसीजर, विच मेथड यू हैव टू अडॉप्ट, विच स्टेप्स यू हैव टू टेक, एवरीथिंग इज डिसाइडेड. ओके, तो इसमें क्या होता है, आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हैं. आप जो भी आपको बताया गया है प्रोसीजर या फिर रूल्स, आप उसके हिसाब से चलते चले जाते हैं. ओके, तो इसीलिए कहा, क्या कहा जाता है कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी. ओके, राइट. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. ह्यूज कॉस्ट मतलब बड़ा खर्चा. ओके, प्लानिंग जब हम लोग करते हैं तो बड़ा खर्चा आता है. कैसे? क्योंकि प्लानिंग, आपको पिछले बार ही बताया गया था कि बहुत मेंटल प्रोसेस है, इसमें बहुत इंटेलिजेंट लोगों को बैठाना पड़ता है. और उनको आपको अगर स्पेशली बहुत अच्छा प्लानिंग कराना है तो आपको इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स या तो फिर आप बोलो प्रोफेशनल्स हायर करने पड़ेंगे. ऐसे तो आप किसी को भी बैठा के नहीं प्लानिंग करा सकते कि भैया प्लान कर दो हमारे लिए. वहाँ पर बैठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन जो है उनको बैठाना पड़ेगा और वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे. ओके, तो इसमें बड़ा खर्चा आता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है अच्छी वाली. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. क्यों? क्योंकि कंपनी को हायर करना पड़ता है पर्सनल एक्सपर्टीज. ओके, और एट द सेम टाइम वहां पे लॉट ऑफ टाइम एंड मनी
उनको वेस्ट करना पड़ता है. सो इट इज अ कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ऑफकोर्स जो प्लानर है वो आया और आपका चीजें प्लान करके नहीं जा सकता है. वो काफी उनको चीजें जैसे पास्ट एक्सपीरियंस वो देखेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्पिटेटर्स को पढ़ेंगे. ठीक है. तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन. ओके. बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स जो रहते हैं उनको देखना और उसमें से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि आप सारे मेथड के पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स को इवेल्युएट करते हो, तब जाकर के आप एक मेथड तक पहुंचते हो. तो वी कैन से दैट इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. ओके. तो वी कैन से दैट कि प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस, क्योंकि प्लानिंग जो है वो गारंटी सक्सेस नहीं दे सकती है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्लान कर रहे हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है. ओके. क्यों? क्योंकि आप मान लो कोई पॉलिसी आप अपनाए हुए हो पास्ट में, आपने सोचा कि अरे पास्ट में तो आई वॉज सक्सेसफुल विद द पॉलिसी, अगेन आई विल यूज द सेम पॉलिसी फॉर द फ्यूचर. ओके. एंड द थिंग्स आर इज द बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक. ओके. एंड द थिंग्स लाइक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. तो इफ यू आर यूजिंग द सेम पॉलिसी विच यू हैड यूज इन पास्ट, ओके, देन द थिंग्स विल नॉट वर्क. ठीक है. तो चीजें आपने देखा कि अगर पास्ट में आपको कोई भी पॉलिसी अपनाने के बाद से सक्सेस मिल गई, आप उसको सेम पॉलिसी को अगर फ्यूचर में अपनाते हो, ऐसा बहुत टाइम्स होता है कि आप अगर सक्सेसफुल रहे हो तो उसको अपनाना चाहते हो वही सेम पॉलिसी को, तो जरूरी नहीं है कि आपको गारंटी सक्सेस मिले. क्यों? क्योंकि उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें अलग थे और आप फ्यूचर में अलग होने वाले हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है, चेंज की जरूरत पड़ती है. आपको वही सेम पॉलिसी फ्यूचर में भी गारंटी देने का सक्सेस देने की गारंटी नहीं रखता है. ओके. तो वी कैन से दैट प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस. देन द नेक्स्ट इज प्लानिंग लैक ऑफ एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब होता है कि आपको 100% रिजल्ट नहीं देने वाला है प्लानिंग. क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में अभी से प्लान कर रहे हैं और आपको तो पता है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है. अनसर्टन मतलब एक इनवेलप की तरह है, आप खोलोगे अंदर में क्या होगा कुछ पता नहीं. ओके. तो फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है. आप अभी प्लान कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप वो अनसर्टन फ्यूचर के लिए क्या हो जाए, सब कुछ अच्छे से आप प्लान कर पाओ, सब कुछ अच्छे से आप जो आपने सोचा है जैसे प्लान किया है, जरूरी नहीं है वैसे ही सब कुछ हो. ओके. सो वी कैन से दैट फ्यूचर इज अनसर्टन. ओके. फ्यूचर इज अनसर्टन एंड दैट इज वाई प्लानिंग गिव्स लैक ऑफ एक्यूरेसी. नाउ वी विल गो थ्रू द एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. ओके. इन एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग मतलब विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन सिंपल वर्ड्स. फर्स्ट इज नेचुरल कैलामिटीज. नेचुरल कैलामिटीज आप समझ रहे हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स बोल सकते हो, मतलब जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको हम लोग बोल रहे हैं नेचुरल कैलामिटीज. ओके. लाइक अर्थक्वेक, फ्लड. ओके. अभी देख रहे हो हमारे कंट्री में दो दो साइक्लोन्स आ चुके हैं. आपको पता है किसी को भी लगा था ये साइक्लोन आएगा? नहीं लगा था. किसी ने भी प्लान किया था साइक्लोन के लिए? जी नहीं, किसी ने भी प्लान नहीं किया था. ओके. सच अ बिग डिजीज केम इन आवर कंट्री. इन आवर कंट्री नॉट वर्ल्ड. ओके. तो डिड एनी वन प्लान फॉर दैट? नो. तो नेचुरल क्लेमिटीज कभी भी आ सकती है, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, एनीथिंग यू कैन गेस. ओके. तो वो भी क्या होता है, प्लान नहीं होता. आप कितना भी प्लानिंग कर लो, ये नेचुरल क्लेमिटी से आप नहीं निपट सकते. ओके. दैट इज अनसर्टन. ओके. तो दीज आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. सेकेंड इज चेंज इन कॉम्पिटेटर्स पॉलिसी. ठीक है. आपका जो कॉम्पिटेटर है वो पता नहीं कब पॉलिसी चेंज कर ले, आपसे बेहतर पॉलिसी लेकर के आए. एट द सेम टाइम और भी वो कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस अचानक चेंज हो जाए, कस्टमर का चॉइस चेंज हो जाए. ओके. तो दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल. ओके.
तो ये सब भी मैनेजर एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि ये सब होने वाला है और उस अकॉर्डिंगली प्लान नहीं करता है. ओके, थर्ड इज चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट. आप देखो क्या होता है, लाइक इफ एनी मूवीज रिलीजेस. ओके, अभी आपने, अच्छा छोड़ दो वो एग्जांपल, अभी कोई मूवी रिलीज होती है तो क्या देखते हैं कि जैसा वहाँ पे फैशन चल रहा है लोग उसी फैशन के साथ चल जाते हैं. ओके, ठीक है. अगर हमारा यूथ जो है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ डाइवर्ट होता है तो उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है. ओके, और वही ट्रेंड फिर मार्केट में चलने लग जाती है जैसा. तो ये सब भी क्या है, आप कितना भी प्लान करके रख लो ये चार चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है. देन नेक्स्ट, चेंज इन टेक्नोलॉजीज. ये तो हमेशा हमें देखना पड़ रहा है कि हमारा जो फॉरेन है या तो फिर जो कि हाईली टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं वो क्या कर रहे हैं, डे बाय डे न्यू एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं हमारे सामने. तो उसमें क्या हो जाता है, लोग उसी टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहते हैं और जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसको फिर वो लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. ओके, लाइक बटन्स फ़ोन. ठीक है, अभी बहुत कम ही लोग हैं जो बटन वाला फ़ोन यूज़ करते हैं, सब लोग क्या है स्क्रीन टच स्मार्टफोन में बिलीव करते हैं. ओके, चेंज इन गवर्नमेंट या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी. ठीक है, हमेशा क्या होता है, पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट में अगर पॉलिसी चेंज कर देती है, सपोज जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर पॉलिटिक्स बिजनेस की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो क्या होता है कि उस कंट्री का बिजनेस काफ़ी ग्रो होता है उसमें. ओके, और उसमें नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं बिजनेस की तरफ तो क्या होता है कि वो कंट्री का बिजनेस उतना फ्लॉरिश नहीं कर पाता है. ठीक है, और सडनली इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो जाए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए तो उसके लिए कोई भी बिजनेसमैन प्री प्लान नहीं रहता है. ओके, तो क्या हो जाता है, उसमें हमारा जो प्लानिंग है वो फेल हो जाता है. ये सारी जो मैंने बताया वो क्या है, एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. लिमिटेशन मतलब जहाँ पे प्लानिंग, आप कितना भी प्लानिंग कर लो बट वर्क नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेशन. सो आई एम एंडिंग विद दिस वीडियो हियर ओनली. कीप वॉचिंग एंड ट्राई टू स्टडी मोर सिग्निफिकेंटली. ओके, कंसंट्रेट, ट्राई टू कंसंट्रेट इन योर स्टडीज. थैंक यू.